और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी, और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी, और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो ये तो वीडियो देखी वही दोस्तों आपने, जिसमें के विराट कोहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं, पूरी टीम इंडिया बैठी है, और जिस तरह से टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराकर वर्ल्ड कप जीतकर लाई है T20 का, तो उसके बाद टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, छोटी सी कट की हुई, और इसको कुछ कांग्रेस के नेता भी शेयर कर रहे हैं, यह कहते हुए कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विराट कोहली ने बिल्कुल सही कहा है, और वो भी उन्हीं के मुंह पर कहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो अहंकार ऊपर आ जाता है और उसके बाद आपका जो हाल होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, हालांकि काफी छोड़ने बड़ी की है वीडियो तो जरूरत थी, वैसे। और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो ये तो विराट कोहली यहाँ पर कहते नजर आ रहे कि कहीं ना कहीं जब आपका अहंकार ऊपर आ जाता है तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। ये वीडियो वैसे तो वो क्रिकेट के बारे में ही कह रहे विराट कोहली तो, और उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से वर्ल्ड कप में वो लगातार खेलते आ रहे थे और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, और उन्होंने राहुल द्रविड़ से, रोहित शर्मा ने इस बारे में कई बार बात की कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, ये ना टीम के लिए अच्छा है और ना मेरे को भी, खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा उनको हौसला देते और कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तेरी तब तू चलेगा, ये राहुल द्रविड़ कहते हैं उनको, और वो ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में और कोई नहीं चल रहा था तो अकेले विराट कोहली खड़े रहे, और विराट कोहली ने इतनी ताकत पारी खेली कि भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजों की बारी तो बाद में आती, के कुछ कह रहे कि जसप्रीत बुमराह ने जिता दिया, हार्दिक पांड्या ने जिता दिया, सूर्य कुमार यादव ने कैच करके जिता दिया, लेकिन जो विशाल स्कोर खड़ा किया था वो विराट कोहली की बदौलती खड़ा हुआ था, क्योंकि विराट कोहली ने अकेले ही 76 रन मार दिए थे। तो इससे आप समझ सकते कि विराट कोहली का कितना अहम योगदान है। और अब भारत में आए, जब पूरी भारतीय टीम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई, वो वीडियो अब सामने आ चुका है, तो बहुत सारी बातें हुई, अलग अलग खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं, और उसी के दौरान विराट कोहली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं, और ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप कट करके सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, और कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने भी इसको फेसबुक पर डाला है और कहा कि देखिए कितनी गहरी बात है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू की जा रही है लोगों द्वारा कि देखिए जब आप में अहंकार आ जाता है ऊपर तो खेल कहीं ना कहीं दूर चला जाता है, और लोग इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी अहंकार आ गया था, कहने लग गए थे एक अकेला सुपर बारी, अब की बार 400 पार, तो ऐसे नारे दिए गए थे प्रधानमंत्री द्वारा, तो लोग उसी से जोड़कर देख रहे हैं कि विराट कोहली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर ही प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा दिया, ऐसा कह रहे, लेकिन बात ऐसे नहीं थी, विराट कोहली अपने खेल के लिए बातें कर रहे थे, खेल के बारे में बता रहे थे कि कैसे कैसे प्रेशर था और कैसे कैसे हमने एक एक बॉल को जिया है इस वर्ल्ड कप में, तो वो उस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, और जो कहीं ना कहीं फिट बैठती नजर आ रही है बात, क्योंकि जिस तरह से RSS ने भी यही आरोप लगाए थे कि अपने आप में घमंड आ गया है, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है विराट कोहली की इस बात को लेकर। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।